कोपरगांव नाम के गांव में मंगाराम नाम का व्यक्ति जंगल में पेट काटकर जीता था। उसकी पहली पत्नी के देहांत के बाद बेटा सीताराम के देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी सुनीता बहुत झगड़ालू थी और उनकी स्वीटी नाम की एक बेटी भी थी। वो अपने बेटी को अच्छी तरह से देखभाल करती थी मगर सीताराम को हरदम डांटती रहती थी। हरदम उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर गाली देती रहती थी। सीताराम के पढ़ाई रोकने के कारण सीताराम पिताजी के लाए लकड़ियों का छोटे छोटे टुकड़े करता रहता था, उन्हें सर पर रखकर गांव में बेचता रहता था। धूप का मौसम आते ही गंगाराम आम लाता था। सुनीता उनमें से खराब हुए फल सीताराम को देकर बाकी के फल अपने बेटी को देती थी। सुनीता, उसे आम के फल बहुत पसंद है ना, ये तुम्हें भी पता है। तुम उसे सिर्फ एक ही फल दिया क्यों, और एक दे सकते हो ना। वैसे स्वीटी उतने सारे फल नहीं खा सकती है ना, बच्चों में ऐसे बैर करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, बेटे के लिए कितना प्यार है देखो तो। क्यों, वो तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? वो कितने आम का है तो तुम्हें क्या जी। छी, अब इस घर में हम नहीं रह सकते, कहकर झगड़ने लगी। एक बार गंगाराम के पैर टूटने के कारण डॉक्टर 2 महीने के लिए आराम करने का सलाह देकर चले जाते हैं। क्या, 2 महीने काम करे बिना खुशी से आराम करोगे क्या? ऐसे कैसे होगा, घर कैसे चलेगा? मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। रे सीताराम, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं। तुम्हारे पिताजी की तरह पेट काट कर पैसे लाओ, नहीं तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी, खबरदार, कहकर चेतावनी दी। ऐसे वो बेचारा जंगल में पेड़ काटने लगा और उन्हें बेचकर आए हुए पैसों से आम के फल खरीद कर उन्हें घर लाकर अपने माँ को देकर, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे 2 आम दीजिए माँ। क्यों रे, पैसे कमा रहे हो कहकर घमंड आ रहा है क्या? 2 फल चाहिए क्या? 2 फल स्वीटी के काए हुए गुटली दूंगी, उसे खाओ, तुम्हें वही बहुत है, कहकर पुकारने लगी। उसके बातें सुनकर वो बहुत दुखी हुआ, उसका पिता भी बहुत दुखी हुआ। एक बार वो जंगल में चल रहा था, उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पे बहुत सारे आम थे। उन्हें देखकर सीताराम के मुंह में पानी आने लगा। तुरंत एक पत्थर उठाकर आम को मारा, वो आम नीचे गिरा और सीताराम उसे उठाने ही वाला था कि उतने में वो फिर से पेड़ को चिपक गया। सीताराम उसे आश्चर्य होकर देखकर फिर से एक पत्थर लेकर उसे मारा। दूसरी बार भी फल नीचे गिर के फिर से पेड़ को चिपक गया। सीताराम को बहुत रोना आया। आम खाना मेरी किस्मत में ही नहीं है क्या? जी, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, कहकर रोने लगा। बेटा सीताराम, तुम दुखी मत होना, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं एक मायावी पेड़ हूँ, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए बोलो। तब वो अपने परिस्थितियों के बारे में उस जादुई पेड़ को बताया। तब उस पेड़ से बहुत सारे आम नीचे गिरे, वो खाकर सीताराम बहुत खुश हुआ। बेटा लगता है तुम बहुत मासूम हो, इसलिए सिर्फ आम खाकर खुश हुए, मगर उससे तुम्हारी परेशानियां कैसे दूर होंगी। रुको, मैं तुम्हारी दूसरी सहायता भी करूंगी। बस वहाँ एक मैंगो हाउस प्रत्यक्ष हुआ और वहाँ एक नल में से जूस आने लगा। बेटा अगर तुम उस जूस को पिए तो उस मैंगो हाउस के दरवाजे खुलेंगे, अंदर बहुत सारे सोने के आम मिलेंगे, मगर तुम्हें सिर्फ एक आम को ही लेना होगा, अगर लालच में आ गए तो बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है ना? तब सीताराम वो ग्लास में जूस पकड़ कर पिया, बस वो दरवाजे खुल गए। वो अंदर जाकर देखा तो बहुत सारे सोने के आम उसे दिखाई दिए। एक आम को लेकर वो वहां से चला गया। उसे घर में माँ को देकर जो हुआ वो सब उसे बताया। तब सुनीता उसे पकड़कर मारते हुए, निकम्मे नालायक, तू भी अपने बाप पे गया है बेवकूफ कहीं का, कहकर मारने लगी। रुक जाओ, उसे क्यों मार रही हो? बेचारा तुम्हें सोने का आम लेकर दिया है ना, और क्या चाहिए, उससे हमारे परेशानियां पूरे दूर हो जाएंगे ना।
क्या लाया? सिर्फ एक आम। वहाँ उतने सारे सोने के आम छोड़कर हाथ हिलाते हुए सिर्फ एक आम लाया है। कहकर फिर से उसे मारने लगी। माँ, सिर्फ एक फल को ही लेना है, नहीं तो कतरे में पड़ोगे कहकर उस जादुई पेड़ ने कहा है, इसलिए मैं नहीं लाया माँ। वैसे इस एक आम से हम करोड़पति बन जाएंगे ना, हमें और पैसे क्यों चाहिए माँ? चुप बैठो। एक तो हाथ आए पैसे छोड़कर आए हो और मुझे ही भाषण दे रहे हो। वो जादुई पेड़ कहाँ है बताओ? वो सारे आम को कैसे लाना है मुझे पता है। सीताराम उसे लेकर जादुई पेड़ दिखाया। सुनीता उस जादुई पेड़ से झूठ बोलकर मदद के लिए पूछी। जादुई पेड़ ठीक है कहकर मैजिकल मैंगो ट्री को प्रत्यक्ष किया। सुनीता जूस पीते ही वो दरवाजा खुल गए। वो उसके अंदर गई। आहा, पूरे सोने के आम हैं। जितने हो सके उतने आम ले जाऊंगी, कहकर पूरे आम को एक टोकरी में डाली। तब दो राक्षस वहां प्रत्यक्ष हुए। उन्हें देखकर सुनीता डर गई। क्यों री कुत्ती कमीनी, सिर्फ एक आम ले जाने कहा तो सारे आम ले जा रहे हो। बेचारे सीताराम को तुम उतने कष्ट दिए हो, तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे वो दोनों उसे पीटने लगे। बाप रे, मुझे मत मारिए, अब से मैं अच्छे से रहूंगी, मेरे पति और बेटे का देखभाल करूंगी, कहकर उनके आगे हाथ जोड़ी। उस दिन से वो दोनों को अच्छे से देखने लगी। गरीब मैकेनिक बना IAS। रत्नापुर नाम के गांव में एक मैकेनिक शेड था। उसमें पंकज नाम का व्यक्ति काम करता था। वो एक अनाथ था, दिन भर कार रिपेयर करता था और रात में कॉलेज जाकर पढ़ता था और वही शेड में सो जाता था। स्ट्रीट लाइट के नीचे ही पढ़ता था। एक बार पंकज एक स्पोर्ट्स कार को रिपेयर किया। उसका ओनर आकर उसे स्टार्ट करते ही उसमें से काला धुआं आने लगा। बस वो देखकर गुस्से से कार का मालिक पंकज को मारने लगा। इडियट, क्या किया है इस कार को तूने? की कीमत पता है तुम्हें? कहकर मारने लगा। सर सर प्लीज सर मत मारिए सर, आपने जनरल सर्विस करने को कहा था इसीलिए किया सर, मगर ये कैसे हुआ पता नहीं सर, मैं एक बार देखता हूँ सर, प्लीज सर। तुम क्या देखोगे रे, ये शेड का मालिक कौन है रे? ऐसे बेकार लोगों को काम पे लगा के हमारे कार खराब करते हो क्या? सर कृपया करके ऐसे बातें मत कीजिए सर, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ सर, मुझे काम अच्छे से आता है सर, मुझे काम नहीं आता है ये कैसे कह सकते हो सर आप? वैसे आप मुझे ऐसे मारते हुए बात करना अच्छी बात नहीं है सर। तब वो शेड का मालिक चौधरी। क्यों रे, कस्टमर से जुबान लड़ाते हो क्या? चल बाहर निकल, एक मिनट भी यहाँ रहा तो तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा। मालिक आप ऐसे अचानक जाने को कहोगे तो कैसे जाऊंगा जी, मेरे IAS के एग्जाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं मालिक, प्लीज ऐसे मत कहिए मालिक। हा, क्यों रे तुम IAS एग्जाम लिख रहे हो क्या? तुम आफ्टर ऑल एक मैकेनिक हो और तुम IAS बनना चाहते हो क्या? वाह व्हाट अ कॉमेडी, अपने हैसियत से सोचो, तुम्हारे मालिक कह रहे हैं ना, जाओ जाओ यहाँ से, कहकर उसे धक्का मारा। बेचारा पंकज वहाँ से बाहर आ गया। उसी गांव में बुढ़िया नाम की एक चोरनी रहती थी। रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड में चोरी किया करती थी। चोरी किए हुए पैसों में से थोड़े गरीबों में बांटती थी। कभी कभी पुलिस उसे पकड़कर जेल में डालते थे। एक बार जेल में गुड़िया से ऐसा ही। क्यूरी तुम्हें शर्म नहीं आती क्या इसे चोरी करते हुए? शादी करके बच्चे पैदा करके जिंदगी में सेटल होना नहीं चाहती हो क्या? हेलो पुलिस साहब, मैं पैसों वाले का ही जॉब काटती हूँ, उनमें से आधे पैसे गरीबों में बांटती हूँ, मुझे कैसी शर्म। रही बात मेरी शादी की, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि मेरे लायक हो, मुझे तो कम से कम डॉक्टर या इंजीनियर या IPL में क्रिकेटर चाहिए। अगर कलेक्टर मुझसे शादी करे तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, तभी शादी करूँगी। अबा चोरी का काम कर रहे हो और सपने महल के देख रहे हो, दिन में सपने देखना छोड़ो। एक दिन वो रिहा होकर बाहर आई। उसने बस के लिए इंतजार कर रहे पंकज का जेब काटा। उसके बाद पंकज बैंक में लाइन में खड़े होकर पर्स के लिए ढूंढ रहा था और घबराते हुए कैशियर से,
सर सर मेरा पर्स किसी ने चुराया है सर, मेरे आईएएस एग्जाम का फीस भरने के लिए यही आखिरी दिन है सर, प्लीज सर। ये सब गुड़िया देख रही थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पैसे दोगे तो स्टैंप मारकर रिसिप्ट दूंगा, लाइन में बहुत सारे लोग हैं, पहले हटो यहाँ से। तभी गुड़िया आकर, कितने पैसे भरना है केशव जी, लो मैं दूंगी, ले लो, कहकर पैसे दी। वो कैशियर पैसे लिया। बाद में बैंक के बाहर पंकज, बहुत शुक्रिया जी, सही वक्त पे आकर मुझे बचाया, आपको बहुत जल्द ही वो पैसे मैं लौटा दूंगा। रहने दीजिए बॉस, वो तुम्हारे ही पैसे हैं, मैंने ही तुम्हारा पर्स चोरी किया है, कहकर अपने बारे में बताई। पंकज भी अपने बारे में उसे बताया। वाह तुम सुपर हो बॉस, मैंने बहुत कलेक्टरों को देखा है मगर होने वाला कलेक्टर को आज ही देख रही हूँ। तुम फिकर मत करो बॉस, मेरा घर आकर कितने दिन भी रहकर तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, वो सब मैं ला कर दूंगी। तुम एक चोर हो, चोरी किए पैसों से पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, आई एम सॉरी। अरे बॉस ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, पैसे कैसे भी आए तुम्हें कलेक्टर बनना जरूरी है ना, नहीं तो कोई नेक काम करके कमाने वाले तुम्हारे सहायता करने के लिए आगे आएंगे क्या, नहीं है ना, लाइट लो बॉस, चलो घर चलते हैं। ऐसे वो उसके चोरी किए पैसों से उसे लैपटॉप बुक्स सब ला कर दी और पंकज अच्छे से पढ़ने लगा, एग्जाम्स भी अच्छे से लिखा। एक दिन पेपर में रिजल्ट्स देखकर वो बहुत खुश हुआ, बाद में आईएएस इंटरव्यू में भी वो सिलेक्ट हुआ। एक दिन एक बड़े से कार में एस्कॉर्ट्स के साथ अपने गांव में आया। गांव वासियों हमारे गांव में पढ़कर मैं आईएएस ऑफिसर बना, हमारे गांव को ही कलेक्टर बनकर आया हूं। मुझे ये गांव वाले किसी भी तरह की सहायता न करने पर भी मैंने वो बात दिल में नहीं रखी, आपकी सेवा करूंगा कहकर प्रमाण करके आया हूं। सुना है इंसान में ही भगवान होता है, उसका उदाहरण गुड़िया है, वो चोरी करके मुझे पढ़ाई, एक दूसरे की हम सहायता करेंगे तो वो भगवान की भी जरूरत नहीं होगी ना। गुड़िया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझसे शादी करोगी क्या, चोरी करना बंद करोगी क्या। बॉस तुम सूट बूट में सिनेमा हीरो की तरह हो, कलेक्टर आकर मुझे शादी के लिए पूछे तो मैं ना क्यों कहूँगी, अब मैं चोरी वोरी छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, आई एम रेडी बॉस। ऐसे उन दोनों की शादी धूमधाम से हुई।